अस्सलाम वालेकुम व्यूअर प्यारे, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट फलकशेर कैसरानी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो गेन पाकिस्तान। तो दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो गेन पाकिस्तान को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। तो दोस्तों, आप अगर हमारे साथ फेसबुक कनेक्ट रहना चाहते हैं तो हमारा पेज है डेली बिटकॉइन अपडेट पाकिस्तान। तो दोस्तों, उसे भी लाइक कर लें और फॉलो कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मैंने हमेशा से आपको कोशिश की है कि पाकिस्तानी भाई जो मेरे गरीब लोग हैं वो ऑनलाइन से अर्निंग करें। तो मेरी कोशिश यही रही है कि आपको वो सिग्नल शेयर करूँ जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो और आप उस प्रॉफिट से आगे डेवलपमेंट कर सकें। तो दोस्तों, जितनी भी मेरी यूट्यूब पे वीडियो हैं और ये हमेशा से रियल वीडियोस हैं और मेरे खुद के तजिए पे बनी हुई होती हैं, किसी से मैंने कॉपी नहीं किया होता। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि आपको वो न्यूज़ शेयर की जाए जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो। तो अक्सर लोग यूट्यूब पर आते हैं, झूठ बोलते हैं। कोई कहता है आप एक दिन में बिलीनियर होंगे। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ आपके पास $600 हैं, आप पर डे 5000 पाकिस्तानी कमा सकते हैं इजीली। तो दोस्तों, अगर आप रोज़ाना 5000 पाकिस्तानी कमाना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल के साथ कनेक्ट रहें। तो दोस्तों, मैंने SLP के मुतलक वीडियो बनाई थी 0.06 के करीब, और मैंने बारहा 5-6 वीडियो बनाई थी भाई SLP बाई कर लें। और ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। और उस वक्त ये मार्केट में रैंकिंग में 387 नंबर पे था और अब 282 पे। तो मैं आपको ये एक बात बता दूं, इसने 250 को टच करना है रैंकिंग में। तो आने वाले दिनों में SLP के मुतलक भी मैंने रिमार्क्स दे दिए थे और ये भी बता दिया कि SLP मज़ीद डिप करेगा और इसका डिप काफ़ी ज़्यादा शदीद होगा। और आप ऐसे ना समझें कि इसका डिप कितना हो, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि इसका डिप होगा काफ़ी ज़्यादा और ये 0.8070 के करीब दोबारा आ जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा कोइन है डार, तो डार ने काफ़ी ज़्यादा कल आते ही पंप लिया, $21 पे चला गया और लोगों ने इसमें काफ़ी ज़्यादा धड़ाधड़ पैसा डाला। लेकिन आपको एक चीज़ मज़े की बता दूं, मैं इस कॉइन से जितना लोगों को लॉस हुआ है उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। तो मैं आपको दोस्तों को एक चीज़ मज़े की बता दूं, इसका जो मेन फिगर है या मेन पॉइंट है तो वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिप करेगा। डार के मुतलक मेरी दूसरी वीडियो आ रही है और मैं दूसरी वीडियो में यही बता रहा हूँ कि डार ने डिप करना है और काफ़ी ज़्यादा डिप करना है, यानी कि डार का नेक्स्ट डिप ये होगा, ये $1 के करीब या इससे भी कम पॉइंट पे मिलेगा आपको। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो इसको डिप पे जाके बाई के अभी बिल्कुल बाई ना करें, आप बहुत ज़्यादा लॉसेज में जाएंगे और आपके लॉसेज आपके ही होंगे, मेरे नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल एंट्री नहीं ली। लेकिन मेरी कोशिश ये रही है कि मैं आपको बता दूँ पाकिस्तानी भाइयों को, भाई इसे बाई ना करें। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, शाम को भी एक बना दी थी कि भाई पाकिस्तानियों इसे बाई ना करें। काफ़ी ज़्यादा दोस्त मेरे यूट्यूब से आए, कनेक्ट हुए और उन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया उस वीडियो के बाद। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने डिप पे जो चीज़ बाई की होगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा बाई प्रॉफिट होगा। तो मैं ये एक चीज़ सिंपल बताता हूँ कि अगर आप पाकिस्तानी 5000 पर डे का कमाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब के साथ कनेक्ट रहें। और मैं अच्छे से अच्छा कॉइन आपको रिकमेंड कर दूँगा, जैसे कि मैंने EPS के मुतलक 0.45 के करीब वीडियो बनाई थी और बता भी दिया था कि भाई जस्ट एक मंथ आप इसे होल्ड कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा पंप करेगा, और इसने काफ़ी ज़्यादा पंप किया। तो अभी भी मैं आपको EPS के मुतलक एक चीज़ बता दूं कि EPS वो वायद कॉइन है जो मेरा फेवरेट है और इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाला हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसने नेक्स्ट मंथ $3 या $2 को टच करना है, लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा टाइम होल्ड करेंगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे। ये वो वैध कॉइन है, इसे जिस $1 से नीचे जहाँ भी बाई कर लें तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसके अलावा सैंड है, तो सैंड के मुतलक मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी बनाई थी और बताया भी था भाई सैंड बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आप दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो जिन दोस्तों ने इसे बाई किया था तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। अभी 272.1 पे चल रहा है और मैं आपको एक चीज़ मज़े की बता दूं, अगर इसने मज़ीद डिप किया तो आप मज़ीद इसे बाई करें, $2 से नीचे अगर गया भी सही तो आप इसे वहाँ पे बाई करें और लॉन्ग टर्म के लिए सेंट को भी होल्ड करें। लेकिन अभी मैं डिप में आपको एक ऐसा कॉइन रिकमेंड करने वाला हूँ जो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देगा, वो है भाई जान गाला। तो आप गाला को होल्ड करें और इससे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड करें। मेरा एक नज़रिया है कि भाई डिप पे बाई करो, पंप पे सेल करो,
डिप पे बाई करो, पंप पे सेल करो। लेकिन इसके लिए भी आपके पास एक फार्मूलाज होना चाहिए। अभी बहुत से लोगों के पास ये फार्मूलाज नहीं है, तो मैंने खुद से एक फार्मूला बनाया हुआ है और मैं खुद से फार्मूला बनाने के बाद आपको वो शेयर करता हूँ। भाई गाला को आप बाई करें, इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करें, जस्ट 1 or 2 month, आप 100% इसे प्रॉफिट इंशाल्लाह निकाल लेंगे सिर्फ 2 month में। तो अगर आप मेरे कहने के मुताबिक गाला में इन्वेस्ट करेंगे, एंट्री डालेंगे और मेरे कहने के मुताबिक आप निकल जाएंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट। इसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह मुख्तलिफ रबते हैं जहाँ से आप मुझसे रबता कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि पाकिस्तानी भाई इसमें लॉस ना खाएं। इसके अलावा मैंने थीटा के मुतल्लिक वीडियोज़ बनाई थी $5 के करीब, कि भाई इसने पंप करना है, पंप करना है, पंप करना है। और इसकी उस वक्त मार्केट में रैंकिंग 32 थी, मैंने बताया था कि ये 22 तक आएगा या 20 पे आएगा, तो इस वक्त 27 पे चला। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज थीटा का एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसकी वजह से थीटा ने रात भी पंप के लिया है। लेकिन आपको बता दूं, इसने मज़ीद भी पंप लेना है और $10 or $25 को इसने जाना है, ही जाना है कन्फर्म। लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डर होंगे तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट गेन। इसके अलावा मैंने CTSE के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं, काफ़ी ही ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं, और मैंने काफ़ी ज़्यादा ही आपको बताया कि भाई CTSE बाई करो, बाई करो, बाई करो। तो दोस्तों इसे अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो CTSE बाई कर लें और इसे अपने होल्ड में, अपने कॉइन्स में रख लें, और इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। अगर आप 1 or 2 year के लिए रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इसे होल्ड करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म के लिए आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा CTSE, क्योंकि ये डिप भी ज़्यादा करता है, पंप भी ज़्यादा करता है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि आपको वो कॉइन दूँ जिससे आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें। तो इस वक्त एक ऐसा कॉइन है जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिप पे मौजूद है, वो है ओम। तो दोस्तों अगर आप इस वक्त ओम में एंट्री लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा देगा। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अभी इसकी मार्केट में रैंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा नीचे है, लेकिन 488 है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ओम ने जब पंप करना है तो ये 200 के करीब चले जाना है। तो आपको मैं बता दूं, जस्ट इसे 3 or 4 month के बाद आप इंशाल्लाह देखेंगे ये 100 से ज़्यादा पंप कर चुका होगा। तो ओम मेरा वो कॉइन है जो मैं आपको अब बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने गाला के मुतल्लिक बताया था, SLP के मुतल्लिक बताया था, EPS के मुतल्लिक बताया था, तो इसी तरह मैं आज आप दोस्तों को ओम के मुतल्लिक बता रहा हूँ और इसके पंप के मुतल्लिक बता रहा हूँ। और मेरी कोशिश भी आपने देखा है कि वही यही होती है कि आपको अच्छे से अच्छा कॉइन रिकमेंड कर दूँ और आप उस कॉइन से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें। तो इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे ओम काफ़ी ज़्यादा पंप करेगा और इसकी रैंकिंग भी बेहतर हो जाएगी। तो रैंकिंग बेहतर होने के साथ इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो गेम पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। इसके अलावा आपके लिए मैं एक और कॉइन रखता हूँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो आप उसे लाजमी करें। और मेरी कोशिश भी यही है कि पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो, तो इसलिए मैंने आज की वीडियो बनाई और आपको बताने के लिए कोशिश करूँगा कि इसे लॉन्ग टर्म होल्ड कर। तो दोस्तों अगर ये 0.50 के करीब आता है तो आप इसे जितना आपसे हो सकता है भाई ट्रू को बाई करें, होल्ड करें, गोल्ड करें और इसको स्टेक पे लगा दें, इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अगर आप ट्रू को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो लाजमी करें। मैंने 0.40 के करीब लिया था और मैं आपको आज भी इसको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। दोस्तों मेरी कोशिश यही है कि मेरे पाकिस्तानी भाई इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें और इंशाल्लाह आप प्रॉफिट गेन करेंगे। दोस्तों अगर मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो आपने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने हैं और आपको अच्छा ज़्यादा अच्छे से अच्छा फ़ायदा होगा। और मेरे कॉइन्स भी वो होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दें। तो कोशिश यही है भाई कि मैं आप दोस्तों को अच्छे से अच्छा प्रॉफिट और अच्छे से अच्छा कॉइन रिकमेंड कर दूँ। जैसा कि मैंने अभी SLP के मुतलक बताया था 0.98 पे कि इसने डिप करना है, तो ये डिप कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा डिप करेगा, तो इसने 100% मज़ीद डिप करना है, तो आप डिप पे ही बाई कीजिएगा। तो इसके अलावा मैंने सोलाना के मुतलक भी वीडियोस बनाई हुई हैं कि भाई ये 500 को जाएगा और ये इथेरियम का किलर है। तो इथेरियम का किलर है, अगर आप आज 1 SOL होल्ड करते हैं तो आप ऐसे समझें इसे मार्केट से गोल्ड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त सोलाना का है। इसके अलावा आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने इस मंथ के मुतलक बताया था कि भाई एडा ने
पंप लेना है, पंप लेना है। तो आपको मैं मज़े की चीज़ बता दूं, एडा ने काफ़ी ज़्यादा पंप इस मंथ से स्टार्ट करना है और इस साल के एंड तक एडा ने पंप करते रहना है। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त एडा का है। तो एडा इस वक्त मार्केट में नंबर 6 पे पहुंच चुका है रैंकिंग में। लेकिन मैं आपको मज़े की चीज़ बता दूं, इसने फिर से अपनी नंबर 3 पोजीशन पर करार करनी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये किस तरह बरकरार रखता है अपनी पोजीशन, और पोजीशन पर बरकरार रखने के लिए इसे काफ़ी ज़्यादा पंप करना पड़ेगा और ये काफ़ी ज़्यादा पंप करेगा। तो एडा गैंग पूरी दुनिया में एक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें होल्ड पे हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आपने $2 के करीब जहाँ भी बाई किया है तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। तो दोस्तों आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं इस कॉइन को और इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमा सकेंगे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको कुछ समझ आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो गेम पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। बाकी BTC के मुतल्लिक मेरे रिमार्क्स ये हैं कि बिटकॉइन ने मज़ीद भी पंप करना है और मुसलसल इसका पंप जो है कंटिन्यूसली स्टार्ट जारी रहेगा। लेकिन छोटा सा डिप पे है, 58K तक जाने वाला एक डिप, तो वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं आने वाले वक्त में आ सकता है। तो इसके अलावा डिप के मुतलक ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन मार्केट का सिनारो कुछ ये बता रहा है कि थोड़ा सा डिप आएगा लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पंप है। तो हो सकता है वो डिप आ चुका हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पंप हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 100K को BTC ने एक बार टच करना है इस डिप से पहले इंशाल्लाह। तो वही वक्त मैं देख रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ काफ़ी अरसे से, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये BTC काफ़ी ज़्यादा पंप करेगा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं और अपने दोस्तों को भी मेरा यूट्यूब चैनल रिकमेंड कर दें। तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।